गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम सीखने वाले के पाइथन में लिस्ट कॉम्प्रेशन क्या होता है। तो इसके लिए सबसे पहले चलते हैं हमारे सब्लाइम टेक्स्ट पर, यहाँ हम देखेंगे लिस्ट कॉम्प्रेशन क्या होता है। इसके लिए सबसे पहले मैं एक लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें कुछ मूवीज़ के नाम होंगे, जिसमें ए नाम की लिस्ट बना रहा हूँ। इसमें मैं मूवीज़ के नाम देता हूँ कुछ, जैसे फर्स्ट आइटम में मैं दे रहा हूँ 3 इडियट, ठीक है। उसके बाद मैं सेकंड आइटम, ऐसे करके मैं 3 आइटम यहाँ देने वाला हूँ। उसके बाद हम देखेंगे इसमें कैसे हम इस लिस्ट कॉम्प्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेकंड मूवी का नाम मैं यहाँ देता हूँ राजा हिंदुस्तानी, और थर्ड मूवी का नाम मैं यहाँ देने वाला हूँ टग्स ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। तो हमारी एक लिस्ट बन गई है। अगर मुझे इस लिस्ट को किसी दूसरी लिस्ट में कॉपी, दूसरे वेरिएबल में कॉपी करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ सिंपल लिखना है b=a, ठीक है। और मैं जैसे ही b को प्रिंट कराऊंगा तो आप देखोगे कि जो हमारी a है, ये लिस्ट थी, वो डायरेक्ट सीधी सीधी b में प्रिंट हो जाएगी डायरेक्टली, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि वो सेम टू सेम जैसी थी, वो हमारी डायरेक्ट प्रिंट यहाँ पर हो चुकी है। इसके अलावा एक और कौन सा तरीका होता है कि हम ए लिस्ट को सीधा बी में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मुझे सीधा बी को ब्लैंक लिस्ट बनाना है, उसके बाद लिखना फॉर आई इन, नहीं मैं मूवी दे देता हूँ आई कीजिएगा, तो यहाँ लिखना फॉर मूवी इन ए। उसके बाद मैं बी डॉट अपेंड, और यहाँ पे मुझे मूवी को पास कर देना है। तो इस मूवी के अंदर जितनी सारी मूवीज़ के ऊपर लिस्ट में नाम थे वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे, और अपेंड के थ्रू वो डायरेक्ट बी में अपेंड हो जाएंगे। अब जैसे मैं इसको रन कर रहा हूँ तो आप देख पा रहे हो कि सारे नाम जो ए में थे वो हमारे बी में आ चुके हैं। इसके अलावा एक मैं आपको तीसरा तरीका बताने वाला हूँ, जो कि है लिस्ट कंप्रेशन। क्योंकि आप देख पा रहे हो अभी मैंने यहाँ पे 3 लाइन लिखनी पड़ी मुझे छोटा सा काम करने के लिए, कि जो ए का डाटा था वो बी में डालने के लिए 3 लाइन लिखनी पड़ी। अगर मैं उसको सिंगल लाइन में करना चाहता हूँ तो उसके लिए लिस्ट कंप्रेशन का यूज़ किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ मूवी फॉर मूवी इन ए, तो इतनी सी लाइन लिख, एक लाइन इतनी सी लाइन लिखने पर भी हमारा वही काम होता है जो यहाँ पर नीचे 3 लाइन लिखने पर होता है। यही पाइथन की सबसे बेस्ट बात मुझे लगती है कि देख पा रहे हो आपके 3 लाइन्स का कोड हमने 1 लाइन्स में लिख दिया, और सेम टू सेम काम हमारा यहाँ पे वही हो रहा है, ठीक है। अब b=a क्यों काम नहीं करता है हर जगह, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ वीडियो में, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि 3 लाइन्स का कोड हमने सिंगल लाइन में लिखा, कैसे, सिर्फ मूवी है जो लास्ट जो हम यहाँ पे पास करते हैं, आर्गुमेंट कह लो और या फिर आपको स्टेटमेंट कह लो, तो स्टेटमेंट में जो वेरिएबल हम यूज़ करते हैं तो वो हमें बस वहाँ पे नाम लिखना होता है, ठीक है। और हमारा सारा काम यहाँ पे हो जाता है लिस्ट कंपैरिजन के थ्रू, ठीक है। मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, पहले मैं एक काम करता हूँ, इस लाइन को कमेंट आउट कर देता हूँ कि और हम कैसे लिस्ट कंपैरिजन का यूज़ कर सकते हैं लिस्ट में, और डिक्शनरी में भी कैसे यूज़ करेंगे वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ वीडियो में। पहले मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ इस लाइन को, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे एक ब्लैंक बना लेता क्योंकि ऊपर मैंने वो कमेंट आउट कर दिए, तो मैंने ब्लैंक लिस्ट बना रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद सपोज़ मुझे यहाँ पे मूवी के साथ कुछ टेक्स्ट भी ऐड करना है कि इज़ अ गुड मूवी, ठीक है, या फिर कुछ भी आप चाहो, जो भी आप लिखना चाहो, तो वो मैं कैसे करूँगा, मुझे बस यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि प्लस इज़ गुड मूवी, ठीक है। स्ट्रिंग मैं यहाँ पर पास कर दूँगा, तुम्हारा पूरा काम यहाँ पर हो जाएगा जो कि हम करना चाह। अब एरर क्यों दे दिया इसने, अच्छा हाँ सॉरी, मैंने यहाँ पर ये कमेंट आउट, ये नहीं, ये कमेंट आउट ओपन किया था, पहले यहाँ बंद नहीं किया है, तो मैं इसको बंद कर दूंगा अभी, ठीक है। नीचे आप देख पा रहोगे कि यहाँ पे कमेंट आउट ओपन है, पर लेकिन वो बंद नहीं हुआ, इस वजह से एरर दे रहा था। अब जैसे मैं इसको रन कर रहा हूँ तो आप देखो हमारे मूवीज़ के नाम पर आएंगे ऑटोमेटिक इज़ गुड मूवी, इज़ गुड मूवी एड हो चुका है। ये काम आप b=a लिख के नहीं कर सकते थे, ठीक, इस वजह से हमें लूप का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर, तो अब यही काम मुझे करना है लिस्ट कंप्रेशन के थ्रू, तो वो मैं कैसे करूँगा, वो भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, वो भी आपको सिंगल लाइन में आप कर पाओगे। तो मैं पहले इस लाइन को कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ कुछ नहीं लिखना कि जहाँ पे हमने सिर्फ मूवी लिखा था, और यहाँ पे जो नीचे आप नीचे लाइन देख पा रहे हो अपेंड के बाद लिखी थी मूवी प्लस इज गुड मूवी, ठीक है, यही लाइन बस हमें यहाँ पर लिख देनी है, मूवी के प्लस इज अ गुड मूवी या बैड मूवी लिख देता हूँ यहाँ पर, जिससे आपको डिफरेंस समझ में आ जाए। और जैसे हम इसको कंट्रोल वी से रन करूँगा तो आप देखो सेम काम हो गया, जो कोड में वहाँ पे 3 लाइन्स का लिख रहा था वो मैंने यहाँ सिंगल लाइन्स के कोड में काम कर लिया। तो लिस्ट कंप्रेशन इसीलिए ज़रूरी है, अगर आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाओगे तो आपको ऐसी लिस्ट कंप्रेशन का यूज़ करना है, अदरवाइज इंटरव्यूअर आपको रिजेक्ट कर सकता है, क्योंकि उसे 3 लाइन्स का कोड से अच्छा सिंगल लाइन का कोड ही पसंद आएगा, ठीक है।
तो अब मैं क्या करता हूँ यार, कि जो ऊपर लिस्ट बनी थी उसको मैं डिक्शनरी में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे हम इसका यूज़ करेंगे डिक्शनरी का। ठीक है, तो पहले ऊपर जो हमारी लिस्ट बनी थी मैं उसको पहले उसमें चेंज कर देता हूँ डिक्शनरी में। इसके लिए मुझे कुछ नहीं करना है, इसको कर्ली ब्रेसेस में चेंज करना है। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारी मूवीज़ होंगी वो हमारी होंगी कीज़, और उसमें हमारे साथ में दी होगी रैंकिंग। तो जैसे यहाँ कॉलन लगा के रैंकिंग दे देता हूँ, जैसे 3 इडियट के लिए मैं 9 दे देता हूँ, राजा हिंदुस्तानी को 8 दे देता हूँ, और ठग्स ऑफ हिंदुस्तान को तो मैं देता हूँ 3। ठीक है, सॉरी 5, 3 देता हूँ, 5 नहीं देनी थी मुझे। ठीक है, उसके बाद अब क्या करना है, तो जैसे मैं इसको चाहता हूँ कि यार जो मूवीज़ की रैंकिंग 5+ है, ठीक है, वो इसमें ऐड हो जाए हमारी इस बी वाली लिस्ट में। उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा कि फॉर मूवी नहीं, ठीक है, इफ़ ए मूवी, ए मूवी लिखने से क्या हुआ कि जो हमारी रैंकिंग है वो आ जाएगी 9, 8, 5, 3। ठीक है, अगर वो 5 से बड़ी है तो वो क्या हो, मूवी हमारी इस बी नाम की हमारी इस लिस्ट में ऐड हो जाए। देख पा रहे हो आप कैसे हमें करना है? मैंने पिछली वीडियो में आपको डिक्शनरी पढ़ाई है, तो आप लोग उससे तो समझ पाए होंगे कि यहाँ हो क्या रहा है। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको रन करूँगा प्रोग्राम को, तो देखोगे उसने मुझे एरर क्यों दे दिया, कहाँ एरर है इस प्रोग्राम में। अच्छा हाँ सॉरी, मैं कॉलन लगाना भूल गया था, मैं इसको दोबारा रन कर रहा हूँ। अरे यार मैं टैब देना ही भूल गया, चलो ठीक है टैब दे दिया। तो देखो आप देख पा रहे हो कि इसने 3 इडियट और राज हिंदुस्तानी जिनकी रैंकिंग 5+ थी वो उसने मुझे बी में ऐड करके दे दी है। तो ऐसा इसने कैसे किया, इफ़ मेथड यहाँ पे मैंने जो लगाई थी। ठीक है, देखो अब लेकिन ये कोड कितनी 4 लाइन्स का हो गया। अगर आप चाहते हो कि नहीं यार ये कोड 4 लाइन्स का नहीं, मुझे ये एक लाइन में लिखना है, एक लाइन में ये मेरा इतना सारा काम हो जाए, तो वो भी आप पाइथन में लिस्ट कॉम्प्रेशन के थ्रू कर सकते हो। उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ वापस, और ऊपर ये भी काम भी हम एक सिंगल लाइन में करने वाले हैं, इसके लिए मुझे कुछ नहीं करना पड़ता है। ठीक है, हमें जब बस सबसे लास्ट में जाके यहाँ पे मैं पहले गुड मूवी लिख दूँ। ठीक है, सबसे लास्ट में जाके जो अब हम इफ़ कंडीशन का यूज़ करते हैं, तो वो हमें इफ़ कंडीशन दे देनी है यहाँ पर, एक के बाद लिख देना यहाँ पे इफ़, जो नीचे हमने कंडीशन दी थी ए मूवी ग्रेटर देन 5, मीन्स यहाँ पे जो रैंकिंग आ जाती है क्योंकि कीस के थ्रू हम उसकी रैंकिंग को फाइंड कर पा रहे थे, ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो अब जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो आप देख पाओगे जो आउटपुट यहाँ आया है वही आउटपुट इसमें भी आ गया। देख रहे हो आप, यहाँ 4 लाइन का कोड लगा था, वहाँ 1 लाइन का कोड लिखा है, और काम हमारा सेम हो रहा है। तो यार इंटरव्यूअर तो फर्स्ट ही वाला पसंद करेगा। जैसे मैं इसको अब चेंज कर दिया, तो अब आप देखो ठग्स ऑफ हिंदुस्तानी बता रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने इसका साइन चेंज कर दिया, तो कंडीशन हमारी चेंज हो गई। देख पा रहे हो आप, तो अगर आप चाहते हो कि यार इंटरव्यूअर आपको ही सिलेक्ट करे, और आप तो आपको इसी टाइप की कोडिंग करनी होगी, इसलिए आप लिस्ट कंपेरिजन का यूज़ करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार प्लीज़, मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आप लोग मेरी चाहो तो ये जो मैंने पाइथन के ट्यूटोरियल्स मैंने डाले हैं आप सभी देख सकते हो, मैंने इसमें बहुत सारी वीडियोस हैं जिनका मैंने आपके लिए कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। मीन्स आपको कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि जो कि आपको अदर चैनल पर मिल जाए, मेरे चैनल पर ऐसा ना मिले। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।